बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुलाकात प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास स्टूडियो में पख्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के सरबराह मंजूर पश्तीन बैठे हैं। मंजूर पश्तीन से मुलाकात प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कहते हैं और वक्त देने का भी आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आप लोगों का भी। मंजूर भाई, ये बताए कि आज चार संदर्भ में पख्तून कौमी जरगा मुनक़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अलावा पीटीएम ने भी शिरकत की, बल्कि आप भी शरीक थे। इस काबी जरगे के आराज मकासद क्या थी और जरगे ने आखिर में अपने अहदाब क्या मुकर्रर की? जरगे के अखराज मकासद अफगानिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक पुरासर बेस था। अफगानिस्तान जब भी जंग व जदल का शिकार हुआ है तो ड्यूरन लाइन की इस पार भी इस जंग से बड़ी तबाही और बर्बादी और नुकसान पहुंच गया, यहाँ पर भी। तो इस बार बर वक्त वहाँ की जंग की शिद्दत बढ़ने के साथ यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों और तहरीक के मशरानों ने बैठकर इस पर एक बहस की और इस हवाले से मौकफ इख्तियार किया कि अफगानिस्तान में जंग की मुखालफत करते हैं, अमन की हिमायत करते हैं, अफगानिस्तान में जोर से हुकूमत नहीं जमहूर से हुकूमत जमहूरियत के एहतराम करते हैं, अफगानिस्तान में मनफी मुदाखलत को बंद करने के मुतालबा और मुदाखलत की मजम्मत, हर वो क़ुव्वत जो इस खत्ते में जंग व जदल की पॉलिसी रखती है या इससे इसमें अपने मफादात चुनते हैं, इस अमल की मुखालफत की गई। अफगानिस्तान में जंग को जायज़ नहीं करार दिया गया, बल्कि इन तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में और बातचीत में, यही सारे वो अवामिल थे, यही सारे फैक्टर थे जिस पर आज तफसीलन बात की गई। मंजूर भाई, ये बताएं कि अफगानिस्तान की अमन की कुंजी किसके पास है? जमहूरी अप्रोच, डेमोक्रेटिक अप्रोच अफगानिस्तान के मसले का हल है। ताकत के ज़रिए, जोर के ज़रिए हुकूमत बदलना या हुकूमत पर कब्ज़ा करना, शायद वो हुकूमत भी फिर ना रह जाए, उसको भी कोई और ताकत के ज़रिए फिर उड़ा लेगा। अफगानिस्तान के अवाम 40 सालों से जंगों में जल रहे हैं, उनके राय का एहतराम, उनको राय दिया जाए कि वो किसको राय देते हैं। तो वहाँ पर जमहूरी इस्तेहकाम जो है, वहाँ के अवाम के राय का जो इस्तेहकाम है, उसी के ज़रिए अफगानिस्तान में एक इस्तेहकाम आ सकती है, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है, यहाँ अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक उनके मनफी मुदाखलत, ऐसे लोगों को पना देना, फरीक बनना जो वहाँ पर जंग चाहते हैं, फरीक बनना इस जंग में, ये अवामिल है जिसने अफगानिस्तान को जंगों में मज़ीद इजाफा कर दिया। अमेरिका की अपने लिए तो उन्होंने एक डील कर दिया, दोहा पीस डील, मगर अफगानिस्तान के केस में उन्होंने फिर वो प्रेशर जो अपने लिए डाल रहे थे, जो अपने लिए वो नहीं किया, तो ये भी एक बेतरतीबी बन गई। मगर इन सारे अवामिल से बढ़कर मेरे ख्याल में अगर दुनिया की ताकतें इस सरजमीन पर अपने प्राक्सी जंग बंद कर दें, जैसा कि रूस अमेरिका का एक दौर में था, बरतानिया और रशिया थी, और इस पर चीन और अमेरिका की एक यहाँ पर कश्मकश चल रही है, तो यही फैक्टर्स है कि ये अगर ख़त्म हो जाए तो फिर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और अमन आ जाएगा। मतलब ये बताएं कि मजहबी जुबात भी समझती है और तालिबान भी सब कि अफगान अमरीका वारदात से कस खा कर निकल गया है, कि आप ये समझते हैं कि अमरीका पाकिस्तान में सिपेक को तबाह बर्बाद करके कामयाबी की जड़ निकाल कर अफगानिस्तान से निकल गया? अमेरिका अफगानिस्तान से अमेरिका का जाना और फिर उसके बाद एक मजबूत जंग शुरू होना, इस बात की दलील है कि अमेरिका शायद जो चीज़ चाहती है वो अब भी जारी है। इस खत्ते में
सिपेक का मसला चीन और अमेरिका के दरमियान है। मैं फिर वही बात करूंगा कि उनके दरमियान कश्मकश में यहाँ पर तबाही और बर्बादी आ जाएगी। मेरे नज़दीक तो फतह और शिकस्त लोगों के जिंदगी का मेयार है। अफगानिस्तान को कोई बनाए आए, उनके अस्पताल बनाए, उनके यूनिवर्सिटियाँ बनाए, डैम्स बनाए, रोड बनाए, यही फतह होगी। यही अफगानिस्तान के आवाम की ज़िंदगी में एक मुस्बत चेंज। असल फतह अफगानिस्तान के आवाम को ज़िंदगी की सहूलियात देना, कारोबार, रोज़गार, मईशत, तालीम, बिजली, पानी, यही वो चीज़ें हैं जो असल फतह है। आज अगर हम अमेरिका की बेस करें तो वो तो अभी नहीं रही। अब बेस क्या है, अब क्या करना है? या वो इस इन दो अल्फाजों से अफगानिस्तान के मसले हल हो जाएंगे, या उनके लिए कुछ प्लानिंग्स होंगे, कुछ बासलाहियत लोगों की ज़रूरत होगी कि वो अफगानिस्तान को बना सके। तो अमेरिका सीपेक को ख़त्म करके रखती है या नहीं रखती है, मगर चीन और अमेरिका के दरमियान इस मुआशी जंग में इस वतन को, पश्तून बेल्ट को, स्पेशल अफगान बेल्ट को, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। मंजूर भाई ये बताए, फिर जिस तरह आपने बात की तो जो अफगान अमन मुज़ाकरात हो रहे थे, इसमें फिर अमेरिका की किरदार को आप किस नज़र से देखें? कुछ मशकूक नज़र नहीं आ रहा? जाहिर सी बात है कि अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबानों के साथ मुज़ाकरात करते हैं। पहले अफगान गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, बाद में अमेरिका के साथ होने चाहिए। जो मसला है वो तो अभी भी मसला ही रह गया। मसला तो अफगानिस्तान था। अगर अमेरिका यानी तालिबानों को बताए बगैर भी जाती तो भी जा सकती थी, मगर मसला तो यहाँ अफगानिस्तान की हुकूमत थी। उस हवाले से दुनिया ने, अमेरिका ने, काफ़ी सारे ममालिक ने वादा किया अफगानिस्तान के अमन का, मगर आज तक उस अमन के हवाले से वो संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। उस हवाले से संजीदगी तो छोड़, जंग मजीद तेज़ हो रहा है। और इस हवाले से दुनिया खामोश भी है। जो जंग में तेज़ी आ रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, ये जंग हो रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने पहले तो अपने लिए जो कर रहे थे उसमें तो किया माहिरा, मगर अफगानिस्तान हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात थे उन हवाले से फिर उनका ना वो प्रेशर रहा, न फिर वो दिलचस्पी रही। तो यही बात है कि उन्होंने अपना किरदार इसी से मशकूक बना दिया। मंजूर भाई ये बताए कि फाटा इंतबाब के बाद कितनी तरक्याती काम हुए, और जो हुकूमत ने वादे वही की थी उस पर अमल दरामद हो रहे? इंजमाम जिन लोगों ने मांगा उन लोगों का सोच यही था कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी आ जाएगी, यहाँ पर तरक्की आ जाएगी, यहाँ पर सूबाई हुकूमत आ जाएगा। मगर मसला ये हुआ कि ना तो वहाँ पर कोई मुस्बत कानून की हुक्मरानी आ गई और ना तो वहाँ पर तरक्याती काम उस तरह से हुए। इवन जो उनके साथ थोड़े चंद सीट्स, कोटा सीट वगैरह की वादे की गए वो भी पूरे नहीं किए गए। पुलिस लाई गई, मगर वही पुलिस फिर वहाँ पर मिलिट्री कंट्रोल करती है उनको। जो सिस्टम मर्जर से पहले था यानी सूबेदार राज, आज भी वही सूबेदार राज है। अच्छा मधुर भाई ये बताए कि वजीरिस्तान में आए रोज अफ्तार के वाक़ बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ फौज भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, और लोकल व मुकामी जो मशरा वो भी मौजूद है, तो ये फिर टारगेट के लिए कौन कर रहे हैं? 2003-04 से ऑपरेशंस के नाम पर एक्स फाटा में फौज ने एंट्री मारी और लोगों को वहाँ से निकाला। 10-10 साल, 8-8 साल बाद इंतहाई बदतर ज़िंदगी, IDPs की ज़िंदगी गुजारने के बाद एक एक गांव को बताया गया कि आप लोग अपने गांव वापस आ सकते हैं, इलाका क्लियर है। हकीकत यह है कि वापसी पर चेक पोस्ट, किले, 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 और जब घर पहुंचे
तो रूफ मटेरियल तक नहीं थे, घरों का सामान नहीं था, लोगों के बरसों बरसों की मेहनत यानी ऐसी उनको लुटा दिया गया था, लूट लिया था कि इंसान यही समझेगा कि कोई मुर्दों का गांव था, यानी कोई जिंदा था ही नहीं जिसको ज़रूरत थी। हाँ एक बात थी, वहाँ पर गुडबेट के नाम से किसी को हमने नहीं देखा। फिर कहा गया कि बाड़ भी लगाया गया है और वज़ीरिस्तान में या दीगर फाटा में ये किले और चेक पोस्ट ऐसे तरतीब से बना दिए गए हैं कि एक इंच ज़मीन भी उनसे पोशीदा नहीं है, उनके आंखों से मतलब उझल नहीं है उनके आंखों से। हर किला दूसरे किले से दिखाई देता है और उनके दरमियान इलाका भी, उनके साथ दूरबीन है रात वाले, ड्रोन कैमरे होते हैं और काफ़ी रेंज वाले, वो भी दिन के वक्त देखते रहते हैं। बावजूद इसके गुड और बेट के नाम पर तालिबान आ गए, अभी भी है। अब वहां पर आवाम यही क्वेश्चन करती है कि बाढ़ लगा था, एक किला फिर दूसरा किला फिर तीसरा फिर 50वां किला, गांव तक न रोड पे रास्ता है, सारे चेक पोस्ट है, न पहाड़ों की चोटियों पर, तो किस रास्ते से आ गए? एक किस्म तालिबान हम देखे, पहले हमने देखा था कि ये तो लोगों पर अटैक कर रहे हैं, फौज पर भी कर, जब फौज के साथ फिरते देखा, लोगों ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये तो गुड है। हो क्या है? वो बेड है। असल में गुड बेड पता नहीं ऐसा कोई चीज़ था या नहीं, मगर आम आम का बेड़ा गर्क हो गया। स्टेट की पॉलिसियाँ, वहाँ पर रियासती इदारों का किरदार, इन सब चीज़ों को अगर आप जमा कर दें तो दो चीज़ें आप दावा कर सकते हैं। या तो स्टेट इदारे ऐलान कर दे कि हम फेल्ड है, कुछ नहीं कर सकते हैं, या जब भी चाहें आ सकते हैं जा सकते हैं, या स्टेट इदारे मान ले क्लियरली कि ये हमारे लोग हैं, हम इसको आने जाने दे रहे, बंदूक भी है वहाँ पर फौज के साथ, टैंक भी है, तोप भी है। आप ट्राई करें अजी साहब, किसी एक इलाके में आप बग़ैर एंट्री, बग़ैर शनाख्त कार्ड, बग़ैर किसी तस्वीर निकाले आप नहीं जा पाओगे, तो फिर बंदूक के साथ लोग कैसे वहाँ जा सकते हैं? इंतहाई सिक्योरिटाइज्ड इलाके, हमारे मदनियात तो सारे वो मतलब वो इलाके बंद कर दिए, अपने लिए ले लिए, चलो हौज़ों के जंगलों पर कब्ज़े, हर ऐसी जगह जहाँ पर अच्छा घर वगैरह इन पर भी कब्ज़े, चेक पोस्टों पर अलग सा कारोबार, मिसिंग पर्सन्स पर अलग सा कारोबार, इन सब के बीच में अब दोबारा टारगेट किलिंग और हमले शुरू हुए। क्या ये पश्तूनों के साथ ज़्यादती की जुल्म की इंतहा नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? अब इतने पॉलिसियाँ सह सकते हैं? हम आज भी यही कहते हैं कि जिन जर्नलों ने यही पॉलिसियाँ बनाई वो आज ये शोशत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जर्नल कियाँ ऑस्ट्रेलिया में जजीरे में रह रहा होगा अपने लिए जजीरे, उसको पता नहीं है क्या है, उनकी वजह से काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं उनकी ज़िंदगी। यही पीटीएम मुतालबा कर रही है कि ये गुड बेट की पॉलिसी ख़त्म कर दी जाए, ये तालिबानाइजेशन, ये सिक्योरिटाइजेशन की पॉलिसी ख़त्म कर दी जाए, मगर जा रही है, ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। मंजूर भाई ये बताए कि अशरफ वाली हुकूमत पाकिस्तान पर मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही कि पाकिस्तान रियासत अफगान तालिबान की पस पर्दा है, बात करें इस हवाले से आपका क्या मौका है? ये तो पस पर्दा की बात शायद अशरफ वानी कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानी हुकूमत तो कुलम कुला कर रही है। आप इमरान खान के बयान सुन ले अमेरिका में उसने दिया, आप इवन ये वजीर खारजा के आने में ये खुद कह रहे थे कि हम अस्पताल भी दे रहे हैं, हम जगह भी दे रहे हैं, आप इवन जर्नेलों की, आप इवन कर्नेलों की बयानात देखे, आप कर्नेल इमाम की देखे, आप जर्नेल हमीद गुल की देखे, आप जर्नल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच की बयानात देखे, तो ये जो अशरफ गनी इल्ज़ाम लगा रहे, इल्ज़ाम तो आप कह भी नहीं सकते क्योंकि ये बातें पहले उन्होंने किए, पहले इन रियासत इस रियासत के उद्दारों ने खुद किए हैं, मान लिए हैं, ट्रेनिंग तक सब कुछ,
तो ये तो खुद पाकिस्तान स्टेट ने मान ली। तो मंजूर भाई, कल अफगान हुकूमत सलामती कौंसिल में पाकिस्तान से मुतालबे की कि हुकूमत पाकिस्तान तालिबान की सरकूबी की दी हमारी मदद करे, तो अफगान हुकूमत की इस मुतालबे को आप किस नज़र से देखते हैं? अफगान हुकूमत अपने मफादात की, अपने हुकूमत की, अफगानिस्तान के मफादात की फैसले और उनके उस मुतालबे में ख़ुद मुख्तार है। हम यहाँ पर पश्तून आज भी जो जरगा हुआ सब इस पर मुत्तफिक थे कि रियासत मज़ीद ये स्ट्रेटेजिक लेथ पॉलिसी या अफगानिस्तान में मुदाखलत या सिक्योरिटाइजेशन, इन सारे मामलों से पीछे हटे, क्योंकि यह अफगानिस्तान के साथ साथ खैबर पश्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी अपने इस जंग के आग की लपेट में हमेशा लिया है। इस बार भी यही खतरा है और दिखाई भी डर है कि जारी हो। ये बताए कि आपने के नाम से तहरीक बनाई है, आप इस तहरीक को एक सियासी पार्टी में तब्दील क्यों नहीं करते? कोई भी फैसला आज के दौर में फर्द नहीं करता है, इदारा करता है। पीटीएम अभी तंजीम तकरीबन बनने के मराहल है, इससे पहले भी अपने मरकजी इदारे सब कुछ रखते हैं, तो पीटीएम के फैसले एक इदारा करती है। और हम सब इस पर मुतफिक थे कि कौमी तहरीक को रहने दे ताकि एक आज़ाद प्लेटफॉर्म से इस वतन के पश्तून कौम के मसाइल को इंतहाई खुले दिल से उजागर किया जा सके और इस खित्ते में तमाम सियासी पार्टियों के तमाम मकतबा फिक्र मकतबा ख्याल लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करे जिसमें सब इकट्ठे बैठ सकें और इकट्ठे काम कर सकें। तो मंजू भाई, फिर ये बताए कि आप भी पश्तून के खिलाफ भी सियासत करते, एनपी पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी भी और कौमी वतन पार्टी भी, आप भी पश्तून के खिलाफ पर सियासत करते, तो आप एक प्लेटफॉर्म पर पश्तूनों के हक के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? यही बात मैं भी कर रहा हूँ। हम तैयार है, आपने जो जो भी नाम लिए इन सब के घरों को हम गए, इनके साथ हमेशा दोस्ताना माहौल पैदा किए, ऐसे सूरत हाल में कि अगर उनसे भी कोई अफेंस होता है, हमारे मुतलक मनफी बात आ जाती है, तो हमने उसका रिएक्शन नहीं दिए, खामोशी अख्तियार किया और अपने दोस्तों को बताया कि खैर है, उन्होंने किया हो हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये बयानबाजी में मुखालिफत में हमारे कौम हमारे वतन का कोई मफाद नहीं है। हम अपने वतन के मफादात की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हमने हमेशा इस वतन के मफादात को जाना है और माना है और इसी तरह अमल भी किया है और साबित भी किया है, हमेशा स्पेस रखा है कि आ सके, बात हो सके और ऐसी तलखी पैदा ना हो जिसमें दूरियां पैदा हो। हमने दूरियां मिटाने की कोशिश की है और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा करीब में हम सब जितने भी यहाँ पर सियासी पार्टियाँ हैं, उनके कायदीन हैं या दीगर तंजीमें हैं या जरगे हैं जितने, वो सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि जो माहौल अभी बन रहा है कोई भी दूरंदेश इंसान शायद उसकी नींद ठीक ना हो, ख़राब हो। वो देखते हैं कि इस वतन के लिए बहुत सारा मटेरियल जमा हो रहा है, इसके जंग के लिए, इसके बर्बादी के लिए और इसमें इस जंग में प्राक्सी जंगों की और अपने मफादात को लड़ने के लिए, इस वतन के बच्चों को ऐसे जंगों में लड़ाने के लिए जिसमें इस वतन का नुकसान हो मगर फ़ायदे दूसरों को। एक इंसान, एक बाशऊर इंसान जिसको अपने कौम अपने वतन का फिक्र हो, दर्द हो, अपने वतन के हर फर्द का दर्द हो, वो जाहिर सी बात है इस चीज़ को जब देखते हैं कि माहौल क्या बन रहा है तो उसका दिल मतलब आराम में नहीं होगा, सुकून में नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मफाद यही है, रोकथाम यही है कि इकट्ठे होकर
आगे बढ़ें और इस मुसीबतों को, इस बोझ को अपने कंधों पर ले, अपने कौम, अपने वतन के जितने भी रुकन है इस वतन के, इन अफराद हैं, हसरात हैं, इन सब की हम अमन में रखे, उनका बोझ अपने सीने पर ले, अपनी कंधों पर ले। मंजूर भाई, ये बताएं कि रियासत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले आप पर संगीन इल्ज़ाम लगाया कि आप भारत और अफगान एजेंसियों से पैसे लेते हैं, तो इसकी असल हकीकत क्या? तो जो इल्ज़ाम आप पे लगी, क्या आपने इस हवाले से कोई सफाई पी की या ये क्या मसला था जी, हकीकत क्या थी? अगर कोई इल्ज़ाम लगे किसी बुनियाद पर तो उसी बुनियाद पर हम जवाब देंगे। अगर झूठे इल्ज़ाम हो, बेसर्रोपा इल्ज़ाम हो, बेबुनियाद इल्ज़ाम हो, तो उसके जवाब क्या दिए जाएंगे? उन्होंने एक बात की कि ये फंड्स लेते हैं, हमने जवाब दिया हम कोई फंड नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कौम है पश्तून, वो जब पीटीएम में शामिल होती है, पीटीएम में शमूलियत से शायद यानी जो लोग आते हैं फिर वो पैसों की भी परवाह नहीं करते, हमारे जलसों में छंदे होते हैं और हमारे साथ फंड इंतहाई कम होता है, जनरली इंतहाई कम होता है, हम आज भी बहुत मुश्किल से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, तकरीबन हर वक्त कर्जों में होते हैं और फिर चंदों से उसको पूरा करते हैं, तो इतना फंड तो है नहीं। और दूसरा हम यही कहते हैं कि पीटीएम तो अमन की बात कर रही है, मिसिंग पर्संस को अदालत में पेश करने की बात कर रही है, आईन की बात कर रही है, मवराया अदालत अमवाद के खात्मे की बात कर रही है, तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज का यही मौक़ है कि इंडिया और अफगानिस्तान, राव और इंडिया चाहते हैं कि ये ख़त्म हो इसलिए लोगों को पैसे देते हैं और हमारे इदारे नहीं चाहते? वो तो फिर अपने आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर नहीं। एक अच्छे काज के लिए वो इवन दूसरे का खत बढ़ा रहे हैं। पश्तून तहफ़ मोमेंट आज तक इंतहाई संजीदगी से इस वतन के इंतहाई मुश्किल मसाइल जिससे आम आवाम को काफ़ी तकलीफ पहुँच रही है उसको उठा रहे हैं, और ये क़यादत पश्तून तहफ़ मूवमेंट की क़यादत जेलों में और शहादतों तक, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं करते हैं, अपने सरजमीन से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत की खातिर करते हैं, ये जज्बा पैसों से किसी को नहीं जलाया जा सकता है। तो ये झूठे इल्ज़ाम है और उनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुबशिर सीधी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, आज भी पढ़ा है, कि पूरे महीने तक मैं फौज और इदारों के पीछे पड़ा था कि आप एक सबूत दे दें कि इनमें पैसे लिए, आप छोड़ दो, मैं जो आप लोग ज़्यादा इत्मीनान भी नहीं जाहिर करते हूँ मैं चला दूंगा अपने चैनल पर भी, अपने ट्विटर पर भी। उसने कहा महीने बाद यही खबर मिला कि अब अगर हम ये इल्ज़ाम न लगाए तो और क्या करें, सच का मुकाबला वो झूठ से करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाएंगे। मंजूर भाई, ये बताएं कि पीटीएम कादर के साथ हुकूमत पाकिस्तान और रियासत इदारों ने मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की, तो ये मुज़ाकरात कहाँ पे नाकाम हुई, उसकी वजूहात क्या थी, असल सूरत हाल ये मुज़ाकरात की क्या थी? इस सरजमीन पर जंग लाने वाले गुरूर के इंतहा पर पहुँच गए, वो हमारे पश्तून वतन के मसाइल को शायद संजीदगी से नहीं लेंगे। हर बार जब उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी है तो उन्होंने हमला किया है। पहली बार मुज़ाकरात तो 2018 के अवाइल में हुए, सबके साथ हुए वो, फिर हम आ गए, एक महीने का टाइम दिया, उसमें जब कुछ नहीं हुआ तो हमने अपने तहरीक जब शुरू की तो मई 2018 में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए और 3 जून को वाना में हमला कर दिया पीटीएम, वहाँ पर तालिबान और फौज ने बिल्कुल मुश्तरक कर दिया। उसके बाद ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, 2019 में मई में दोबारा सेनेट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए, खड़कमर में हमला हुआ पीटीएम पर,
वो ख़त्म हो गए। उसके बाद 2020 के आखिर में एक बार तो 2020 में दावत दिया गया, जो दूसरी दिन मेरी गिरफ्तारी हो गई तो वो तो चले ही नहीं। फिर 2021 में शुरू हो गए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने दावत कबूल किया और अपने कंसर्न्स को भी शो किया, मगर अली वज़ीर की गिरफ्तारी हो गई और मुज़ाकरात एक तरफा तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए, कोई सवाल और जवाब भी नहीं रहा। तो ये सूरत हाल है इनके, आज भी हम इसके कायल हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए, पहले तो आइन है, कौन सा मुज़ाकरात शहरियों और मुल्क के दरमियान आइन होता है, मुज़ाकरात तो फरीक के दरमियान होते हैं, मगर अगर वो फिर भी चाहते हैं तो हम मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। हाँ, मुज़ाकरात सच्चे मुज़ाकरात हमें झूठ से ठहराया नहीं जा सकेगा। मंजूर भाई, ये बताए कि आपके जलसों में फौज के खिलाफ नारे लगते हैं, नफरत अंगेज नारे, आपकी तकरीर भी फौज के खिलाफ होते हैं, जिससे पाकिस्तान के दुश्मन वाले खुश होते हैं, तो आप इस पर ये नारों पर पाबंदी क्यों नहीं लगे? दूसरी बात है कि आपके जख्म इतने गहरे हैं। कभी नफरत अंगेज तकरीर हमने नहीं किया, कभी नहीं किया, हमने तो जो बयान किया है उसके सबूत दिए हैं, उसकी वजाहत की है, बल्कि वजाहत तो छोड़, कोई भी आ जाए पीटीएम का जलसा कवर करे, एट द एंड वो खुद ही कहेगा कि हकायक क्या है, छोटे बच्चों की, औरतों की, खुद उनकी ज़ुबानी जब वो उनके हालात सुनेंगे। पीटीएम ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, उनके आमाल को सिर्फ आईना दिखाया है। अगर वो चाहते हैं कि इससे दूसरे ममालिक खुश होते हैं तो ऐसे अमाल ना करें। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हम मारेंगे लोगों को, गायब करेंगे, हम लोगों के घरों को मिसमार करेंगे, हम लोगों को मावराए अदालत मारेंगे, हम यहाँ पर दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देंगे, हम इस वतन के हर वो शख्स जो यहाँ पर अमन मांगता है उसको तंग करेंगे, यहाँ के छोटे बच्चों पर हमले तक जो लोग करते हैं उनको सपोर्ट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे और कोई बात भी ना करें, ये नहीं हो सकता। आइनी हक है हमारा, अगर वो आइनी हक को मुल्क की मुखालफत समझते हैं तो फिर उनका आइन मुल्क मुखालिफ है, उसमें लिखा गया है आप अपने हुकूक के लिए राइट ऑफ असेंबल, आप असेंबल हो सकते हैं, आप जलसा कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आज तक एक भी बात हमने बेबुनियाद नहीं की, हमने झूठी नहीं की, इंतहाई वजाहत के साथ और इंतहाई सच्चाई के साथ अपना मुकदमा रखा है और आइंदा भी अपना मुकदमा इसी सच्चाई के बुनियाद पर रखेगा। कुछ दिन पहले बोला पैदाबादी पीटीपी ने शदीद तहजीब करार दिया था, अफगानिस्तान में तालिबान की किनारे को खुशहाल करार दिया था, तो मौलाना साहब की इन बातों को या इन स्टेटमेंट को किस नज़र से देखते हैं? मौलाना साहब ने खुद फिर वजाहत कर दी, मौलाना साहब के मुख्तलिफ बयानातों को अगर एक बार सुने तो फिर खुद वजाहत हो जाएगा। पीटीएम तो अमन मांग रही है, अगर मौलाना साहब के हाँ दहशतगर्दी की तारीफ अमन मांगना है तो फिर शायद उनकी बात ठीक हो, मगर दुनिया फिर ऐसा नहीं सोचती है। पीटीएम अमन मांग रही है और दहशतगर्दी का मुखालिफ है, कभी हमायत नहीं की, शायद मौलाना ने की हो मगर पीटीएम ने नहीं किए, उसने कहा ये इंतहा पसंद है, दहशत करते, कौम परस्त है। इंतहा पसंद सिंपल अल्फाज में एक बंदा खड़ा है, मैं कहता हूँ यहाँ जाए, वो एक कदम रखता है, दो मिनट बाद दूसरा कदम रखता है, तीन मिनट, मैं कहता यार ये क्या कर रहे हो, थोड़ा जा, वो अचानक इतना बाके आता है कि दीवार के साथ लगता है, अपना भी नुकसान करता है दूसरे का, ये दोनों इंतहा पसंद है, नॉर्मल नहीं है। मौलाना साहब एक बार लोगों को कह रहे थे कि आप लोग जाके लड़ें, फिर जब तबाही बर्बादी मच गई तो फिर खामोश हो गए, ये दोनों इंतहा है। अमन मांगना नॉर्मल है, अमन मांगना कोई इंतहा नहीं है, तो पीटीएम ने अमन मांगी है, अमन मांगना न तो दहशतगर्दी है और न अमन मांगना इंतहा पसंदी है, रह गई बात कौम परस्ती की, तो दुनिया के 58 मुसलमान ममालिक में अक्सरियत जो है यानी 90% अबव वो कौम के नाम से बने, सऊदी अरब, सऊद कबीला है अरब, नस्ल मुतहद अरब,
इवन अगर आप यमन की बात करें, उज़्बेकिस्तान तजिकिस्तान की बात करें, इराक़ तुर्की तुर्की की बात करें, तो ये सारे ये वाहिद हम पश्तून क्यों, जब हम अपने यहाँ पर इतने सिटी का नाम लेते हैं तो डायरेक्ट काफिर क्यों हो जाते हैं इस पर? ये तो सब करते, इवन ये कहते पाकिस्तान एक कौम है और सब इस पर फख्र करते कि हम पाकिस्तान है, तो ये भी एक किस्म की कौम परस्ती। तो पूरे दुनिया के लिए जायज़, हमारे लिए नाजायज़ क्यों बन जाती? अगर इस बुनियाद पर है कि इससे मुसलमान में तफरीक, तो वजाहत करते हैं कि फिर बाकी भी तफरीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, इस्लाम में तस्वर मिलत इस्लामिया का है, खिलाफत का है, कि सारे ममालिक एक ही मुल्क में हो, उसका एक निज़ाम हो, मिलत इस्लामिया कौम मौजूद था लेकिन जब मुल्क नहीं था तो मिलत इस्लामिया कायम थी, जब मुल्क बना तब ये टूट गई, तो फिर तो वो मुल्क की भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो वो एंटी स्टेट भी अपने आप को बना दे, क्योंकि ये भी एक किस्म के उसमें मसला आ जाता है। तो ये अगर हम बेस करें इन बातों पर, ये फिलासफिकल पॉइंट्स है, इस पर काफ़ी लंबी बेस हो सकती है, काफ़ी वजाहतों के साथ दलायलों के साथ इस पर बेस हो सकती है। अगर वो सिंपल बात यह है, अमन इंसान का हक है, हम अमन मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, मिसिंग पर्सन, दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देना, इस इलाके में ऐसा माहौल बनाना कि लोग जंग की तरफ मायल हो, घरों को मिसमार करना, एक्शन इनेड ऑफ सेवल पावर लगाना जैसे लाश, और मदनियात लोगों के मदनियात पर कब्जा करना है, उनके माशी और सब कुछ ख़त्म करना, ये गलत बातें, और हमारा हक है कि ये गलती ना हो। मंजूर भाई, आखिर सवाल ये है कि आर्मी चीफ ने इनकी शायद किया था कि मोहसिन दावर ने उनसे दो बार खुफिया मुलाकात की थी, बतौर तहरीक सरबरा इस खबर से आपका क्या मौकफ है? दो बार उनसे इंटरव्यू की जाए कि उन्होंने कहाँ पर और कैसे की थी, मोहसिन से आप लोग खुद करें, मगर पीटीएम के स्टार्ट में फौजी जर्नलों के साथ भी और हुकूमत के साथ भी, इन सब के साथ पीटीएम की कमेटी के मुजाकरात हो गए, उस मुजाकरात में सब के साथ मुलाकात कर दिए गए, उसमें किसी ने अपने ज़ात की बात नहीं की, अपने कौम और वतन की मसाइल की बात की, और किसी ने अपने लिए कोई एक इंच भी नहीं मांगा अपने वतन की मसाइल की बात की। उसके बाद अगर किसके मुलाकात हो गए हैं तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, शायद आप खुद इनकी वजाहत कर सकते हैं। बड़ी मेरे बुरा टाइम देने का शुक्रिया जी, खुश रहें हमेशा।